सकते हैं गुड़ हम इसमें डाल दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से सबको हम लोग इसमें मिला देंगे। तो दोस्तों सब छोटा छोटा बना रहा है लेकिन हम तो इतना बड़ा बना रहे हैं, है ना? ये अपने साइज अनुसार बनाए हैं। हेलो गाइस, कैसे हो सभी? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप सैनी ब्लॉग में। तो अभी सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, परी अभी रेडी नहीं हुई है, हम बस रेडी हुए क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरा हाई स्कूल की तरफ से पिकनिक। और परी आज स्कूल की तरफ से छुट्टी दिया गया क्योंकि परी का पिकनिक तो पहले ही चल गई थी, तो आज इसको छुट्टी दिया गया। और पापा अभी सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा कल डैम का पार्टी वाला चक्कर में क्या हुआ है ना कि डैम का जस्ट बगल में थे तो उसका लहर जो मार रहा था ठंडा हवा, उससे तबीयत खराब हो गया है, मतलब सर्दी हो गया है। और ज्यादा कुछ नहीं, सुनी रात में बहुत तेल लगा दी थी फिर भी देख रहे हैं, और सुबह ग्रीन टी दी है न, तो यही इंजॉय कर रहे हैं। अब किशन कहाँ जा रहा है पिकनिक के लिए? मैकलुस्की गंज। हाँ, थोड़ा दूर जा रहा है, इसे हम लोग कभी भेजते नहीं है क्या जी? ये फर्स्ट टाइम जा रहा है। परी तो जाके चल आई इसलिए अभी घर में रहेगी, और किशन आज जा रहा है, काहे कि दोनों का स्कूल तो एक ही है। तो चलिए दोस्तों अभी हम किशन को छोड़ने जा रहे हैं। दोस्तों किशन तो सुबह स्कूल चला गया, उसके बाद हम भी नहा धो के अभी पूजा वगैरह करके नाश्ता भी कर लिए, और अभी देखिए फिर से हम रेडी हो गए हैं, पर परी रेडी नहीं हुई। आज पहली बार रिकॉर्ड तोड़ है कि परी हम लोग के साथ नहीं जा रही है, ज्यादा दूर तो नहीं जा रहे, बस हम लोग चौक पे जाएंगे मार्केट में, वहाँ हमको कुछ काम है जो कल अपना आधार वगैरह में कुछ मेरा प्रॉब्लम हो गया है तो वही सब अभी सुधरवा रहे, तो इसीलिए कल भी हम गए थे लेकिन आज हम लोग का सामने ही काम है मार्केट में, तो देखते हैं आज भी होता है कि नहीं। अभी 3-4 दिन से डेली परेशान है और परी घर पे रहेगी। हाँ, तो आज परी को छोड़ देते हैं हम और चलते हैं किशन के पापा, तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट। तो चलिए सोनी को पहुंचा देते हैं, क्या क्या काम करवा रही है पता नहीं हमको भी, तो चलिए निकलते हैं मार्केट की ओर, चाबी ले लिए। तो दोस्तों अभी आ गए हैं हम लोग फिर से कैफे, और यहाँ देखते हैं भैया काम कर रहे हैं मेरा, और भैया मेरा काम हो गया आज का है, काय रोज से कितना रोज से हम दौड़ रहे थे, 3-4 रोज से ना, आज जाके कंप्लीट हो गया है। तो अभी अब बस निकलने का तैयारी है क्या सोनी? तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो रहा है, और आप लोगों को तो सुबह बताए थे कि किशन चला गया है अपना स्कूल के तरफ से पिकनिक, और हम लोग को पता नहीं था कि इतना लेट होगा, नहीं तो फिर हम भेजते नहीं। और अभी लगभग शाम का 6 बज रहा है और अभी स्कूल वाला लोग अभी तक लेके नहीं आया है, अभी जस्ट मैसेज आया है कि 7:30 में आएगा, इसीलिए हम कभी बच्चा लोगों को बाहर नहीं भेजते हैं स्कूल तरफ से, क्योंकि चला तो जाता है लेकिन फिर उसका रिटर्न होने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, ऐसे कुछ मैसेज वगैरह भी नहीं दिया था तो हम लोग काफी परेशान हो रहे थे कि पता नहीं कब आएगा। अभी तो हम लोग स्कूल के पास भी जाने वाले थे कि कहीं गार्ड वगैरह होंगे तो पूछेंगे बोल के, लेकिन खैर मैसेज आ गया है। और अभी फिलहाल हम परी जा रहे हैं मार्केट, किशन के पापा भी अभी मार्केट जा रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों को तो पता है मकर संक्रांति आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ बनाना है क्या परी? हाँ। परी का बहुत सारा फरमाइश है जो कि परी बताएगी, अभी क्या बनाना है? जो कि वो लड्डू होता है। क्या लड्डू होता है? लाई। हाँ, लाई होता है। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, तो ये पहले बोल रही कि मम्मी चूड़ा वाला भी बनाना है, देखते हैं अभी क्या क्या बनाते हैं क्या नहीं, बाकी दही वगैरह भी जमाने के लिए हम लोग को दूध लेकर आना है, तो चलिए अभी मार्केट निकलते हैं। तो दोस्तों अभी किशन के पापा गए हुए हैं मुढ़ी लेने, क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ है मुढ़ी वाला दुकान में, तो हम और परी यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे देखिए परी भी खड़ी है क्या परी, और किशन के पापा देखिए वहाँ पे गए हुए हैं जो कि भीड़ में अभी पहचान में नहीं आएंगे। देरी बाद किशन के पापा मुढ़ी लेके आ रहे हैं। हेलो भाई। अब चला जाए। हाँ। दोस्तों इधर सोनी प्याज ले रही है, लहसुन बहुत महंगा है, लहसुन भी ले रहे हैं हम लोग। मन का दुकान आ चुके हैं और कुछ गुड़ वगैरह चाहिए ना है, तो यही गुड़ ले लेते हैं। हम लोग का सामान खरीदा गया है, इधर सोनी डालते जा रही है ना, ये रहा। दोस्तों मार्केट से आने के बाद अभी हम खाना वगैरह बनाने लग गए थे, और अभी काफी रात हो गया है, अभी लगभग 9:30 बज रहा है, और किशन जो है अभी तक नहीं आया है। स्कूल में फोन किए थे तो बोला कम से कम 7:30 तक आ जाएगा, फिर हम लोग दोबारा फोन किए तो बोला 8:30 में आएगा, और अभी देखिए 9:30 बज गया है और अभी तक घर नहीं आया है, इतना मतलब टेंशन हो रहा है ना। और अभी फोन भी कर रहे हैं तो स्कूल वाला काट दे रहा है,
पूरा दिमाग खराब हो जा रहा है, पर इधर वेट करते करते सो गई कि भैया अभी तक नहीं आ रहा है। ऐसे हम कभी आज तक बच्चा लोग को हम भेजे नहीं, फर्स्ट टाइम भेजे हैं और फर्स्ट टाइम में ये हाल है। तो आज के बाद तो भाई स्कूल से तरफ से हम कहीं भेजेंगे नहीं। आदमी सोचा, हम यही सोचे कि किसान ऐसे भी थोड़ा बाहर उहर जाना नहीं चाहता है, वो घर में ही रहना पसंद करता है। तो और पहली बार वो भी बोला कि मम्मी हम थोड़ा घूमने जाएंगे स्कूल के तरफ से है, तो इसीलिए हम जाने दिए, नहीं तो इतना दूर तो जाने देते नहीं। अभी फोन कर रहे हैं तो उठा भी नहीं रहा है, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि जाएं स्कूल के पास ही, पता नहीं हो सकता है आया होगा, क्या किया होगा। दोस्तों अभी देखिए 9:30 बज रहा है और अभी तक स्कूल से फोन नहीं आया, ये कौन सा बगल से जो बच्चा गया है वो आ गया है, है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल, है ना, तो चलिए अभी वही मिलते हैं। तो दोस्तों अभी रात का 10 बज चुका है और देखिए अभी सब आ रहा है, और यहाँ सब बच्चे लोग अभी रात में ठंडा का सीजन में आ रहा है, तो ये सबको जल्दी आना चाहिए था। अभी किशन का स्कूल आए हैं और अभी रात का 10 बज रहा है, बताइए सबको कितना परेशान है, ये सबको जल्दी जाके जल्दी आना चाहिए। देखिए स्कूल है और यहाँ सारा गाड़ी लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी 10 बज रहा है और इसका ठंडा से हालत खराब है। यहाँ देखिए एक जैकेट पहना है और कुछ भी नहीं, खाली यहाँ टी शर्ट पहना है और कुछ भी नहीं है। और ये कौन सा नियम है स्कूल में इतना रात करने का, हम लोग परेशान थे, फोन लगा रहे फोन नहीं उठा रहा है और जी घबराने लगा। तो सोनी और अभी हम दोनों गए स्कूल, मेरा तो ऐसे भी तबीयत खराब है, दिमाग खराब हो गया मेरा। चलिए अंदर जाके फिर बात करते हैं। किसान तो पूरा एंजॉय किया होगा, है ना, हाँ? और फिर से जाएगा, फर्स्ट टाइम लास्ट है, मेरा बेटा को हम भेज नहीं सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं किशन भी डर से मायूस हो गया है और ठंडा भी लग रहा है। और सबसे पहले तो घड़ी देखिए, ये 5-7 क्लास का बच्चा लोग को लेके इतना रात तक लेके आना, जल्दी गया था, 8 बजे गया था, ये सब जल्दी आना चाहिए था क्या बेटा। तो दोस्तों आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का संक्रांत, क्या बोलते हैं, मकरांति, क्या बोलते हैं, संस्कृत, संस्कृत क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। क्या बोल रहे हैं, बता बता बता, मकर संक्रांति, मकरांति संस्कृत नहीं, मकरांति संक्रांति का नहीं, मतलब क्या है ना, इसको डायरेक्ट बोलो अगर नहीं जान रही है तो, सभी को हम लोग का तरफ से खिचड़ी वाला जो है पर्व का सबको ढेर सारा बधाई, है ना। तो दोस्तों मजाक कर रहे थे सब, देखे कि रील्स में इसी डाल रहा था इसलिए, तो सभी को एक बार फिर से हम लोग का वो पूरा फैमिली के तरफ से मकर संक्रांति का ढेर सारा शुभकामनाएं। इधर देखिए हमको काम में दे दी है सब, जितना भी है लड्डू उसको चूर करना है, है ना, ये गुड़ का है। तो अभी हम लोग बनाएंगे मुरमुरे का लड्डू जो मकर संक्रांति में खाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये गुड़ बादाम भी बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ से इतना सारा बादाम लिए हैं, इधर देखिए इतना सारा मुरी लिए हैं, यहाँ पे भूंजा हुआ चूड़ा है। तो अभी चलिए बनाते हैं क्या जी। हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ देखिए सबसे पहले बादाम को अच्छे से भून ले रहे हैं। तो दोस्तों बादाम तो भून गया है, यहाँ पे देखिए मुरी को भी हल्का हल्का हम लोग भून ले रहे हैं और ये भी हो गया है। तो अभी चलिए इसको यहाँ डालते हैं और अभी चलते हैं अब हम लोग गुड़ का पाक बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गुड़ हम इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और इधर किशन के पापा और परी देखिए दोनों लोग इसका छिलका निकाल रहे हैं बादाम का है। तो दोस्तों यहाँ देखिए गुड़ अच्छे से बन गया है लाई बनाने के लिए। तो अभी हम लोग चलते हैं इसको गर्मा गर्म इसमें डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इस टाइप से सबको हम लोग इसमें मिला देंगे। तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं सब मिलकर हम लोग बना रहे हैं लाई, ये रहा मस्त एकदम बन गया कंप्लीट, क्या सोनी, ये रहा इतना सारा बन गया है और सब मिलकर हम लोग खाते भी हैं तो बनाते भी हैं सब मिलकर। छोटा छोटा बना रहा है लेकिन हम तो इतना बड़ा बना रहे हैं, है ना, ये अपने साइज अनुसार बनाए हैं, ये रहा। अब परी बोल रही है कि इतना बड़ा है तो हम ही खाएंगे ये वाला ना, परी सक जाएगी खाने,
पेट भर जाएगा तुम्हारा। तो दोस्तों मुरमुरे तो वहाँ बन के रेडी हो गया, अब यहाँ देखे गुड़ बादाम बना रहे हैं, वो भी अभी अब रेडी हो गया है, इसको बस अभी हम लोग को बांधना है। तो अभी देखिए, चलिए जी फटाफट बांधते हैं, इसको भी हम लोग छोटा छोटा बांधेंगे, इतना छोटा छोटा जो कि मार्केट में मिलता है एकदम सेम यही साइज का। अब बनाने में काफी मजा आ रहा है ना परी? हाँ देखिए मेरा भी बन गया। तो दोस्तों अभी हम लोग जितना भी लाई बनाना था बना के कंप्लीट कर दिए, और देखिए कितना मस्त बनाए हैं। ये मुढ़ी का लाई है, और ये रहा आपका बादाम का लाई, और इधर चूड़ा का लाई। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है। और दोस्तों हम लोग का इस बार पहली बार 14 तारीख से 15 तारीख को मकर संक्रांति हो गया है ना जी, जो कि हमेशा हम लोग 14 को ही मनाते थे, लेकिन इस बार मकर संक्रांति आपका 15 तारीख को हो रहा है। तो आप लोग किस किस दिन मना रहे हैं जरूर कमेंट करके भेजिएगा, और हम लोग लाइव जो है उसको अच्छा से बना पाए कि नहीं वो भी कमेंट कीजिएगा। और चलिए दोस्तों अभी आप हम लोग यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन दही चूड़ा खाते हुए। और आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थोड़ा और पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।